जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल गडी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज फिर एक नई यात्रा, एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने की। आज दोस्तों मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूं हिमाचल प्रदेश की गोद में बसे एक छोटे से शहर, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक छोटे से पर्यटन स्थल पर। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि उस पर्यटन स्थल को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। जी दोस्तों, वो जगह है दोस्तों डलहौजी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पुराने विश्व आकर्षण का प्रतीक है, जो अपने प्राकृतिक परिदृश्य, पाइन ब्लेड चोटियों, फूलों, घास के मैदानों, तेज प्रकाश वाली बंदियों, शानदार धुंध के पहाड़ से हर किसी पर्यटक को अपनी ओर खींचता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन आकर्षण बहुत ही हद तक देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह भी बता दूं कि यह हिल स्टेशन गर्मियों के समय अंग्रेजों के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में राजसी विक्टोरियन शैली दिखाई देती है। डलहौजी देश के भीड़ वाले शहरों से दूर अपनी तरह का एक विचित्र शहर है, जो आपको प्रकृति की गोद में होने का अनुभव करवाता है और एक प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है। अगर आप लोग भी हिमाचल प्रदेश के इस खास पर्यटन स्थल को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल का प्लान आप लोगों का हो रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को मैं खजियार जाने की, डलहौजी जाने की एक पूरी टूरिस्ट गाइड, एक पूरी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आप लोगों को इसका एक अच्छा सा अनुभव, एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग कहाँ पर रुक सकते हैं, कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, कब वहाँ पर जा सकते हैं और किस तरह से वहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही आपका बजट क्या रहेगा, कितने दिनों के लिए आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मेंशन्ड है, आप लोग मुझे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी क्वेरीज़ का हल, सभी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि कम्प्लीट गाइड दे सकूँ, ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि भविष्य में जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए दोस्तों। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि डलहौजी आप लोग जब भी जाएं, ये बहुत ही अच्छी जगह है, इसका प्लानिंग अच्छे से करें और इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर आए दोस्तों, क्योंकि यहां पर बहुत सारी घूमने की प्लेसेस, घूमने की जगह है दोस्तों, जिनको कि यदि आप लोग एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 दिन भी आप लोगों को कम पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी डलहौजी की आज की इस यात्रा को। और जब भी दोस्तों यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो यह आती है दोस्तों कि डलहौजी कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात आती है कि फ़्लाइट से डलहौजी कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों हवाई जहाज़ से डलहौजी पहुँचने के लिए कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डा इसका सबसे निकटतम घरेलू हवाई अड्डा है। यह एयरपोर्ट शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और यहां से डलहौजी हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको टैक्सी और बस दोनों ही फैसिलिटीज आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। अब बात कर ले यदि दोस्तों कि हाउ टू रीच देयर बाय ट्रेन, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डलहौजी का जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट जंक्शन, जो इस पहाड़ी शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और अमृतसर से कई ट्रेनों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से डलहौजी पहुंचने के लिए आपको बाहर से ही टैक्सियां मिल जाएगी, साथ ही आप लोगों को दोस्तों यहां पर बस फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग आसानी से डलहौजी पहुंच सकते हैं। अपने रूट को आप लोग उस हिसाब से ही प्लान करें दोस्तों कि आप लोगों के लिए बजट में भी रहे और आप लोग आसानी से वहाँ पर घूम भी पाएँ, साथ ही दोस्तों आपको पहुँचने में भी कोई परेशानी ना हो। अब यदि बात कर ले दोस्तों सड़क मार्ग की, तो दोस्तों सड़क मार्ग की मदद से आसपास के प्रमुख शहरों और जगहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है डलहौजी। राज्य बस सेवा और लग्जरी कोच डलहौजी को आसपास के सभी प्रमुख जगहों और शहरों से जोड़ते हैं। दिल्ली से तो डलहौजी के लिए आपको बहुत सारी स्लीपर बसेस मिल जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पहुँचने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, आप लोग दोस्तों डलहौजी आराम से और आसानी से पहुँच सकते हैं। अब यदि बात कर ले दोस्तों कि डलहौजी आप लोगों को घूमना कैसे है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग टैक्सी आराम से एक ले लीजिए, उसका पूरा पैकेज ले लीजिए दोस्तों, टैक्सी वाला आपको सब जगहों पर आराम से और अच्छे से घुमाएगा।
कंप्लीट टाइम में दोस्तों आप लोगों को वो एक्सप्लोर भी करवाएगा जगहों को, टूरिस्ट प्लेसेस को, जिससे क्या है ना दोस्तों कि आप लोगों को आपके सर पर हेडेक नहीं रहेगा दोस्तों घूमने फिरने का। अब यदि बात कर ले दोस्तों कि डलहौजी में फूड किस प्रकार का मिलेगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डलहौजी है वहाँ पे दोस्तों भोजन के कई विकल्प हैं। इस जगह पर आप खास तरह से उत्तर भारतीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ताजे और चीनी स्नैक्स को यहाँ के स्थानीय ढाबों में बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आप यहाँ के होटल और रिजॉर्ट से जुड़े भोजनालयों में मिलने वाले कई तरह के व्यंजनों के साथ कुछ खास व्यंजनों का स्वाद भी चख सकते हैं। हिमाचली व्यंजन बहुत ही सरल और सादा होता है, जिसमें मुख्य रूप से चपाती, दाल, ग्रेवी और दही आदि शामिल हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पे कैफ़े में भी जा सकते हैं और उन पे भी इंजॉय करके कैफ़े के खाने का लुत्फ भी आप लोग उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग खाने के कॉस्ट की बात कर लें तो डलहौजी में आपको खाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है दोस्तों। पर पर्सन अराउंड 100 रुपीज़ में वन टाइम की मील आप लोगों की आराम से हो जाएगी दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको कोई भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों वंस अगेन आई एम आस्किंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि डलहौजी में आपको स्टे या फिर रुकने की व्यवस्था क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल होने की वजह से डलहौजी में काफ़ी बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स, लॉजेस, होम स्टेज वगैरह फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल जाती है, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं मिले होगी दोस्तों। आपको आसानी से यहाँ पर होटल्स या फिर लॉज मिल जाएगी, जिसका कि बजट दोस्तों 300 से लेकर, तो फिर यदि आप लोग 3-star 5-star में जाते हैं तो 5,000 रुपीज़ पर नाइट टैरिफ तक भी जाता है दोस्तों। इस चीज़ में दोस्तों आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपको आसानी से यहाँ पर स्टे फैसिलिटी, स्टे लोकेशंस मिल जाएगी। बस यह है दोस्तों कि आपके ऊपर है कि आप लोग किस बजट की या फिर किस तरह की चीज़ यहाँ पर पसंद करते हैं, किस जगह पर आप लोग रुकते हैं, यह दोस्तों टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें दोस्तों तो मैं क्या बताऊँ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस की बात यदि कर ले दोस्तों, तो सबसे पहली जो टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों डलहौजी में घूमने लायक, वो है दोस्तों रॉक गार्डन ऑफ डलहौजी। दोस्तों रॉक गार्डन डलहौजी में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है या उद्यान है और एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। इस पार्क में पर्यटक आराम करने के अलावा इस क्षेत्र में उपलब्ध कई साहसिक खेलों का भी मज़ा ले सकते हैं, जिसमें कि जिप लाइनिंग आदि भी शामिल है दोस्तों। यदि आप अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है दोस्तों, जहां पर कि आप कुछ अच्छे लम्हों को, कुछ अच्छे पलों को अपनी फैमिली के साथ में बिता सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर टूरिस्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है दोस्तों डैनकुंड पिंक जो है, जिसे सिंगिंग हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो डलहौजी में समुद्र तल से 2755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यह डलहौजी में सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण यहाँ से घाटियाँ और पहाड़ों के अद्भुत दृश्यों को देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए शांत जगह स्वर्ग के समान है। डलहौजी क्षेत्र में स्थित डैनकुंड सचमुच देखने लायक जगह है, जो अपनी खूबसूरत बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। डैनकुंड पिंक हर साल भारी संख्या में देश भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप लोग भी अगर हो सके दोस्तों तो इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें और इसका आनंद उठाएं। अब आगे बढ़ते हुए बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में, जो कि बाइकर्स के लिए हेवन है और बाइकर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बाइकर्स के बीच में बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। यह है दोस्तों सच पास या फिर सच दर्रा। एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर 4500 मीटर की ऊंचाई से होकर जाता है और डलहौजी को चंबा और पांगी चोटियों से जोड़ता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि डलहौजी से 150 किलोमीटर की दूरी पर यह मार्ग उत्तर भारत में पार करने के लिए सबसे कठिन मार्गों में से एक है। जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं और जो बाइकर्स हैं, वो लोग अक्सर सचपास को देखते हुए मिल सकते हैं और यहाँ का दौरा करते हुए भी मिल जाते हैं दोस्तों। यह था दोस्तों सच पास के बारे में। अब बढ़ते हैं दोस्तों सच पास से जब हम लोग आगे, तो डलहौजी का दोस्तों जो अगला पर्यटन स्थल है वो दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय जगह है और उसका नाम है दोस्तों बकराता हिल्स।
दोस्तों बकराता हिल, जिसे अपर बकरोटा के नाम से भी जाना जाता है, यह डलहौजी का सबसे ऊंचा इलाका है और यह बकराटा पॉक नाम की एक सड़क का सर्कल है जो खजियार की ओर जाती है। भले ही इस जगह पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ टहलना और चारों तरफ के आकर्षक दृश्यों को देखना पर्यटकों की आंखों को बेहद आनंद देता है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र चारों तरफ से देवदार के पेड़ों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े ही हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कैसे बात ना हो, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है डलहौजी के अंदर। और दोस्तों बता दूं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक नाम और है, जो कि है काला तोप खजियार अभयारण्य। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में स्थित है और डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। काला तोप नाम का अर्थ है काली देवपी है, जो संभवत अभयारण्य में सबसे ऊंची पहाड़ी पर घने काले वन को बताता है। काला तोप वनस्पति और जीवों में काफ़ी समृद्ध है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है और हर साल यहाँ पर लाखों पर्यटक आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डलहौजी की यात्रा पर जा रहे हैं तो काला तोप अभयारण्य को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें और इस जगह को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको काफ़ी आनंद आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वाटरफॉल्स की तरफ। दोस्तों वहाँ पर डलहौजी में वाटरफॉल्स भी हैं। पहला वाटरफॉल है दोस्तों पंचकूला वाटरफॉल। दोस्तों पंचकूला हरे देवदार के पेड़ों के आवरण में घिरा एक झरना है जो डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। पंचकूला वो जगह है जहाँ पर पांच धाराएं एक साथ आती है। पंचकूला की मुख्य धारा डलहौजी के आसपास की विभिन्न जगहों में पानी की पूर्ति करती है। यह जगह ट्रैकिंग और अपने खूबसूरत दृश्यों की वजह से जानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला के पास एक महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह की याद में एक समाधि भी बनाई गई है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस जगह पर भी आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले वाटरफॉल की, जो कि डलहौजी में है। वो है दोस्तों सात धारा झरना, जो कि दोस्तों चंबा घाटी में स्थित है, जो बर्फ़ से ढके पहाड़ों और ताजे देवदार के पेड़ों के शानदार दृश्यों से घिरा हुआ है। सतधारा का मतलब होता है सात झरने। इस झरने का नाम सात धारा, सात खूबसूरत झरनों के जल के एक साथ मिलने की वजह से रखा गया है। इन झरनों का पानी समुद्र से 2036 मीटर ऊपर के एक बिंदु पर मिलता है। यह जगह उन लोगों के लिए एक खास है जो शहर की भीड़भाड़ वाली ज़िंदगी से दूर जाकर शांति का अनुभव करना चाहते हैं। सातधारा फॉल्स अपने औषधीय गुणों की वजह से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ के पानी में अभक्र पाया जाता है जिसमें त्वचा के रोग ठीक करने के गुण भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जो कि दोस्तों डलहौजी जाने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी खास है और हर पर्यटक यहाँ पर आता ही आता है दोस्तों। वो है दोस्तों खजियार। दोस्तों खजियार डलहौजी के पास स्थित एक छोटा सा शहर है जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड या भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित खजियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य परिदृश्य की वजह से डलहौजी के पास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। खजियार एक छोटी झील के साथ एक पठार है जो पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस जगह होने वाले साहसिक खेलों, जॉर्बिंग, ट्रैकिंग आदि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित स्वतः ही कर लेती है दोस्तों। तो अब दोस्तों यह था हमारा डलहौजी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यदि बात कर लें दोस्तों कि आपको डलहौजी कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, तो मैं बता दूं दोस्तों कि 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। 3 दिन में दोस्तों आप लोग आराम से डलहौजी घूम कर आ सकते हैं और पूरा आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बात कर लें कि आप लोगों को कब वहाँ पर जाना चाहिए, किस समय पर आप लोगों को जाना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग पूरे वर्ष भर घूम सकते हैं। हालांकि डलहौजी जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून के बीच का होता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में यहाँ पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जब सूरज की किरणें बर्फ़ से ढके पहाड़ों और चरागाहों से टकराती है तब इस जगह की चमक देखने लायक होती है। इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। आप मार्च और अप्रैल में ठंड का अनुभव कर सकते हैं और जून के महीने में यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है। गर्मी के महीनों में भी डलहौजी का मौसम काफ़ी अच्छा होता है, उस समय पर भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और बात कर ले दोस्तों यदि बजट की, तो डलहौजी में दोस्तों आपका पर पर्सन कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ रहेगा, जिसमें कि आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़, घूमना फिरना सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शुक्रिया आज की यह वीडियो देखने के लिए।